अभी मंच पर उपस्थित हम सब लोगों के जो झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक डॉक्टर लक्ष्मीकांत भारतीय जी और मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी और आपके इस क्षेत्र से लगातार 5 बार रहे सांसद श्री रविंद्र पांडे जी और आशू पार्टी के नेता अभी क्या जिम्मेवारी है जी रोशन नहीं नहीं रोशन की क्या जिम्मेवारी नहीं ऐसे पार्टी में महासचिव तो आशू पार्टी के महासचिव और अभी आपको परिचय तो बता ही दिया है कि पाल चौधरी जी और श्री अमित तिवारी जी और जिला के अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी प्रदेश साव जी और प्रदेश के प्रवक्ता अमित जी और यहाँ के जो मंडल के अध्यक्ष तारकेश्वर राम जी कल में इतना पूजा थमा दिया है ना श्री प्रदीप सावर जी बैजल हेमराम जी दिनेश माथो जी प्रदीप जैन जी कैलाश पंडित जी और दिनेश यादव जी यदुनंदन पाठक जी बबीता जायसवाल जी सुनील साहू जी अजय रंजन जी श्याम सुंदर राम जी उषा कुमारी जी छोटेलाल जी कामेश्वर पासवान जी सुनील पासवान जी और कामाख्या जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और आशु पार्टी के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों देश के साथियों आज झारखंड प्रदेश की जनता की नजर आपकी ओर है इस डुमरी विधानसभा क्षेत्र की ओर और इसलिए डुमरी विधानसभा क्षेत्र की ओर लोग देख रहे हैं क्योंकि यहाँ उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब झारखंड में सारे 3 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अब उस सरकार ने जितनी भी वादा किए थे पहले तो इन्होंने नौजवानों के लिए वादा किया था कि हम 5 लाख लोगों को साल में रोजगार देंगे अगर हमने रोजगार नहीं दिया तो उनको हम भत्ता देंगे और ये कोई चुनावी मंच पर नहीं बल्कि झारखंड के विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया था। आज भी झारखंड के विधानसभा में वित्त मंत्री का भाषण है उस किताब में आज भी उल्लेखित है लेकिन साहब 3 वर्ष के होने के बाद भी एक भी नौजवानों को कहीं कोई भत्ता नहीं मिला। रोजगार के नाम पर आप देख रहे होंगे लगातार लोगों को ठग रहे हैं। पहले बार बार वो कहते हैं कि ये साल नियुक्ति का वर्ष रहेगा लेकिन वो साल भी गुजर जाता है नियुक्ति होती नहीं है और कभी वो स्थानीय नीति के नाम पर लोगों को उधार करके रखते हैं कभी नियोजन नीति के नाम पर लोगों को उधार करके रखते हैं। अगर आप कहें तो इन सारे 3 वर्षों में झारखंड के नौजवानों को ही सरकार ने ठगा है और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए अपील करने के लिए आया हूं जो लोग अपनी वादा को पूरा नहीं करते अपनी वादा को निभाते नहीं है फिर उन लोगों को फिर से हमें सत्ता में बैठाने की कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए मैं आप सब से यही कहने के लिए आया हूं। आपने देखा पिछले दिनों जब रामगढ़ का चुनाव हुआ तो वहां की जनता ने सरकार को बता दिया कि आपकी कोई जरूरत नहीं है झारखंड में अब बारी है डुमरी के मतदाता भाई और बहनों की
और इसीलिए मैं आज सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं कि आप तो इस बार उनको बता दीजिए कि अब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने यहाँ के नौजवानों को ठगा है, झारखंड वासियों से इन्होंने झूठ बोला है। यही मैं निवेदन करने के लिए, यही बताने के लिए मैं आया हूं। आज इस प्रदेश के अंदर में आप देखें कि राज्य सरकार से हम लोग क्या उम्मीद करते हैं। राज्य सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं सरकार होगी तो कानून की राज रहेगा, लोग बहुत एरिया सुरक्षित रहेगी। लेकिन आज झारखंड प्रदेश में देखते हैं कि आए दिन चोरी डकैती हत्या अपहरण हो रहा है। बहुत बेटियां भी यहाँ आज सुरक्षित नहीं है। यहां तक कि आप देखते होंगे कहीं पर पेट्रोल छिड़क करके उन्हें आग लगा दिए जाते हैं और कहीं पर तो मार करके उनको पेड़ में टांग दिए जाते हैं और कहीं पर तो उनको पचास मार करके पचासों टुकड़ों टुकड़ों करके फेंक दिए जाते हैं। और जेएमएम के लोग कहते हेमंत है तो हिम्मत है, यानी हेमंत सोरेन के राज्य में भी अपराधियों के भी हिम्मत है, तभी इस प्रकार के वो लोग को कृत्य करते हैं। और इसीलिए मैं आज सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज इस प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा हो गई, आखिर इस प्रकार की स्थिति के पैदा होने के पीछे का कारण क्या है? मैं आपको इस बात का कहने के लिए आया हूं क्योंकि तो जिसका काम था अपराधियों को पकड़ना, पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, उनको जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, लेकिन आज इस झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन ने पुलिस को किस काम में लगा दिया? चोर को पकड़ने के लिए नहीं, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि पुलिस को उन्होंने लगा दिया है वसूली के काम में लगा दिया है। आज पुलिस चारों तरफ देखे कहीं भी वो वसूली में लगे हुए। अगर आपको किसी गुंडों ने अपराधियों ने मार दिया, आपके सर से अगर खून भी टप टप गिर रहा है, थाना चले जाइए तो पहले आपसे पैसा मांग करेंगे तभी फिर आगे की वो कार्रवाई करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।